हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड मस्ट बी स्टडिंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर अभी कंटिन्यू है और हमारा ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर अब फाइनल स्टेज की तरफ आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ से 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज अभी बची हैं जो अभी हमने सीखनी है, जिनको थ्योरेटिकल भी एस्पेक्ट भी समझना है और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी समझना है। और ये 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स: गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ, एंड थर्ड है एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉसेस। स्टूडेंट्स, हमें किसी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को हल्के में नहीं लेना है। मैं चाहता हूँ आपका कहीं पर भी कोई डाउट्स या कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और उसकी वजह से आपका कोई नंबर ना कटे, इसलिए हमने एक एक एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से समझा है अभी तक और आगे भी हम समझेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने कम से कम 11 या 12 एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को समझा है, इनके बेस को समझा, उनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को किया समझा और हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस भी करी हैं। आई होप आपने मेरे वो सब वीडियोस देखे होंगे और उनको अच्छे से समझा होगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज की एडजस्टमेंट एंट्रीज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। स्टूडेंट्स, जो बिज़नेस का ओनर है या जिसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, अगर वो अपने ही बिज़नेस में से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम उसको क्या कहते हैं। हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का जो वैल्यूएशंस होता है वो गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर होता है, जो जो उसके बिजनेस को कॉस्ट पड़ी है, ना कि उसके करंट मार्केट प्राइस पे। अगर करंट मार्केट प्राइस बढ़ गई है तब भी नहीं, और करंट मार्केट प्राइस कम हो गई है तब भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो बिज़नेस को पड़ी है हम उसको कंसिडर करेंगे। और सिर्फ से गुड्स ही नहीं, अगर वो ओनर कोई फर्नीचर विड्रॉ करता है अपने घर के लिए, या कोई कंप्यूटर ले जाता है, मशीन ले जाता है, तो वो मशीन की कॉस्ट जो हमें कंपनी को पड़ी है, जो बिज़नेस को पड़ी है, उस कॉस्ट को हम उसकी ड्राइंग्स में माना जाएगा। तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम ड्राइंग्स अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? क्रेडिट करेंगे हम परचेजेस को, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, सेल नहीं है। हमारी परचेजेस रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। अब देखिए, इन केस अगर मान लीजिए 500 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड्स थी और एट द टाइम ऑफ परचेज हमने इस 500 रुपीज़ के ऊपर हमने CGST और SGST भी दिया है, 6% दिया है, 6% CGST और SGST, तो कितना हो गया? 30 रुपीज़। तो एक्चुअल कॉस्ट तो कंपनी को 560 रुपीज़ पड़ी ना, तो ड्राइंग्स हमारी कितने की जाएंगी? ड्राइंग्स हमारी जाएगी 560 रुपीज़ की। और यहाँ पे हम परचेजेस के एकदम नीचे लिखेंगे टू, परचेस के टाइम पे जो हम CGST या SGST देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, ये 500 रुपीज़ परचेजेस में जाएगा, 30 और 30 रुपीज़ हमारे CGST और SGST में जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है, ये जो इनपुट CGST और SGST है आउटपुट के साथ सेटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेल नहीं है। आउटपुट के साथ वही इनपुट सेटल होता है जो सेल होती है, चाहे वो सेल फर्नीचर की हो, मशीन की हो या गुड्स की हो। अगर सेल हुई है तब तो आउटपुट के साथ में सेटल होगा, यहाँ ये सेल नहीं है। ये क्या हो गया? ये सिंपली रिवर्स होगा, हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST को रिवर्स करना पड़ेगा, इनके इंडिविजुअल अकाउंट में इनको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। इनपुट्स को हम एसेट्स मानते हैं ना, तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे तो क्या होगा? एसेट्स रिड्यूस होगी, तो हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो ड्राइंग्स में हम पूरा अमाउंट दिखाएंगे, परचेजेस में हम सिर्फ से 500 दिखाएंगे। तो इस परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह शो करेंगे? जो परचेजेस है लेस ड्राइंग्स 500 रुपीज़, इस तरह से शो होगा। और बैलेंस शीट्स में कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होगा कंप्लीट अमाउंट। मान लीजिए कैपिटल है और इसमें से लेस ड्राइंग्स 560 रुपीज़,
और जैसा कि मैंने बोला, ये 30 और 30 60 रुपीज़ इनपुट CGST और इनपुट SGST के इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिवर्स हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम अपनी दूसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज की तरफ चलते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ। ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री भी ऑलमोस्ट इसी की तरह ही है। गुड्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो बिजनेस का जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी गुड्स है, अगर उसने स्टाफ को दिया है तो वो स्टाफ के वेलफेयर के लिए गया, तो कम बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही हो गया ना, चाहे वो स्टाफ को गया। तो हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम उसको डेबिट कर देंगे और उसको डेबिट करके P&L अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट कुछ भी लिख लीजिए, टू। अब देखिए टू केस को करेंगे, फिर से ये सेल नहीं है, टू परचेजेस ही जाएगा क्योंकि सेल नहीं है, ये स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। टू परचेजेस टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। इन केस अगर 1000 रुपीज का गुड्स है, अगेन यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उस गुड्स की कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज 1000 थी और हमने इसके ऊपर CGST और SGST भी दिया है, CGST या SGST 6% दिया है, तो इट मीन 60 और 60 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो टोटल कॉस्ट जो बिजनेस को जो कंपनी को पड़ी है 1120 की पड़ी है। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट में हम 1120 डालेंगे और परचेजेस में अगेन हम 1000 डालेंगे और 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ इसमें डालेंगे। और इन केस अगर IGST है तो IGST चला जाएगा 120 रुपीज़। इस केस में भी अगर IGST भी है तो IGST हमारा 60 रुपीज़ चला जाएगा, या तो CGST SGST होगा या IGST होगा। अब देखिए इसकी एंट्रीज कहाँ कहाँ जाएगी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट, पूरा अमाउंट दिखाएंगे यहाँ पे 1120, और परचेजेस में हम यहाँ पे अगेन परचेजेस में हम लेस करेंगे स्टाफ वेलफेयर। कितना रुपीस से, 1000 रुपीस से, यहाँ 1120 से नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं पर ही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ये 60 रुपीज़ हमें यहाँ पर भी हमारे आउटपुट के साथ सेटल नहीं होंगे, 120 रुपीज़ का ये बिजनेस को नुकसान एक तरह से, ये आउटपुट के साथ सेटल नहीं होंगे, ये CGST और SGST के इंडिविजुअल अकाउंट्स जो बनेंगे उसमें रिवर्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो हम और आगे चलते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज की तरफ चलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सीडेंटल लॉसेस, इसको समझते हैं फिर इसकी एंट्रीज को समझेंगे। मैं अभी इसको रब करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेके, जिसका नाम है एबनॉर्मल लॉसेस या जिसको हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल लॉसेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ बिजनेस में कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हम कभी नहीं चाहते, जैसे कि कभी मान लीजिए फायर लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, या अर्थक्वेक आ गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, अर्थक्वेक आ गया और हमारी एसेट्स का नुकसान हो गया। तो इस तरह के अगर कोई केस हो जाता है तो हम उसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाएंगे, अब भाई हम इसको समझते हैं। इनकेस हमारा गुड्स है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शेप में रखा है या फिनिश्ड गुड्स रखा हुआ है सेल पर्पज़ के लिए, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर, ड्यू टू फायर, तो उसकी किस तरह से एंट्री करेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ये डिपेंड करता है हमारा वो जो गुड्स है जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो इंश्योर्ड था या नहीं था। अगर इंश्योर्ड था तो उसकी अलग तरह से ट्रीटमेंट होगा, और अगर इंश्योर्ड नहीं था तो उसकी अलग तरह से ट्रीटमेंट होगा। अभी हम मांग के चलते हैं कि हमारा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो इंश्योर्ड था। इन केस ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट नया खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इन केस फायर से लॉस हुआ है तो। अगर किसी एक्सीडेंट से हुआ है तो हम नाम रख सकते हैं एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ड्यू टू फायर हमारा जो स्टॉक है वो लॉस हुआ है, तो हम क्या अकाउंट खोलेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो भी रीज़न होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, हम इसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट यहाँ पे हम परचेजेस को नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्रेडिट हम यहाँ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर कोई एसेट्स डिस्ट्रॉय होगी तो हम उस एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए गुड्स की जो कॉस्ट थी जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो 80,000 रुपीज़ थी, इसके ऊपर 6% CGST और SGST, ये हमने एट द टाइम ऑफ परचेज दिया था। 6% CGST का मतलब हो गया 4,800 और 4,800, तो कितना आ गया ये 0,0689,600 जो कॉस्टिंग थी 89,600 की थी। हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को कितना डेबिट करोगे आप? सिर्फ से 80,000 करेंगे, 89,600 नहीं करेंगे। अगेन फिर से वही पहले वाली बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, CGST इनपुट्स यहाँ पे हमारा रिवर्स होगा, आउटपुट के साथ सेटल नहीं होगा। इसके साथ में हम क्या करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? इनपुट CGST टू इनपुट SGST, 4,800 और 4,800 और स्टॉक ऑफ लॉस बाय फायर, इसको पूरे को पूरे हम करेंगे 89,600। ठीक है, एक एंट्री तो हमारी हो जाएगी ये। अब क्योंकि हमारा ये गुड्स जिसकी कॉस्ट हमको 89,600 पड़ी है ये इंश्योर्ड था, अब डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी इसका कितना क्लेम एडमिट करेगी। 89,600 पूरा कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है 80,000 करे, हो सकता है 85,000 करे, ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी ने अगर ये हमारा पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लेती है 89,600 का, तो इट मीन्स 89,600 रुपीज़ हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। इस ईयर में हम क्लोजिंग एंट्री किस तरह से डालेंगे? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। किस तरह करेंगे इसको आप देखिए, इस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 89,600 से और टू किसको कर देंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 89,600। यहाँ ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब सवाल उठता है इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा पूरा क्लेम एडमिट नहीं करती, सपोज वो 80,000 या 85,000 करती है, वो कहते हैं हम 85,000 रुपीज़ ही आपको देंगे, 89,600 नहीं देंगे, तब हम क्या करेंगे? हमारे को 89,600 का हमारा कॉस्टिंग थी तो हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया बैलेंस, तो हम डेबिट किसको कर देंगे? P&L अकाउंट को। कितने से हो जाएगा? 4,600 रुपीज़ से। ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा, ये लॉस ऑफ अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर रहे हैं तो ये एसेट्स बन जाएगी हमारी, क्योंकि अभी हमने पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलेगा हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब देखते हैं इसकी एंट्रीज किस किस तरह होगी अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट को हम 80,000 रुपीज़ से डेबिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को हमने 80,000 रुपीज़ से हमने डेबिट किया। हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों डेबिट किया है? हम एक तरह से क्रॉस एंट्री कर रहे हैं, इतने का ही सामान हमने परचेज किया था, कॉस्टिंग 80,000 रुपीज़ थी और 80,000 से ही हमने उसको क्रेडिट कर दिया, रिड्यूस कर दिया है ना, तो इसलिए एक तरह से हमने इसको नलीफाई कर दिया एंट्रीज को, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी नेचुरली, 80,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बचेगा। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करने से एक ये फ़ायदा होता है कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पर फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मली चलती रहती हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और ये जो गुड्स की वैल्यूएशंस है ये नलीफाई हो जाएगी, क्रॉस एंट्री हो गई है। अब आ जाइए सेकेंड एंट्री की तरफ, हमने इसको तो हमने क्लोज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ पे
इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ डेबिट कर देंगे 85,000 से। एसेट्स हो गई हमारी, फिक्टिशियस एसेट्स हो गए स्टूडेंट्स एक तरह से, जो हमें पैसा अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, अभी हमने तरफ से क्लोजिंग एंट्री डाल दी है। इसके अलावा पी एंड एल अकाउंट में हम 4,600 रुपीस डेबिट कर देंगे लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये तीन एंट्रीज हमारी रहेंगी, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या यूजली गलती करते हैं, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट का डेबिट सिर्फ से इन दो केसेस में होगा, या तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ है या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ है। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टाफ को फ्री में, हो सकता है आपको लिखा हुआ है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ सैम्पल, इसका मतलब वो जनरल पब्लिक में एज अ सैम्पल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सेम ट्रीटमेंट सेम होगा उसमें भी। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया है, तो अब हम वो सिचुएशन लेते हैं अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है, बिल्कुल भी इंश्योर करवाया ही नहीं हुआ, ये तो हमारा टोटल लॉस हो गया। अब मीन्स नॉट इंश्योर्ड, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो टोटल लॉस ही है ना, हमें ये अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा पी एंड एल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वही रहेगा हमारा, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, पूरा का पूरा अमाउंट हम 89,600, यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे 4,600 और 4,600 रुपीज़, सिर्फ से अगर इंश्योर नहीं है, ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस नहीं है अगर गुड्स का, तो टोटली ये अमाउंट 89,600 हमारा पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसी तरह एंट्री करेंगे 80,000 की, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हम आउटपुट के साथ सेटल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सेल नहीं है, हम इसको इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में से इसको रिवर्स कर देंगे, इनको यानी कि क्रेडिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या अगर आईजीएसटी है कोई भी केस है तो। तो ये स्टूडेंट्स हमारे तीन एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स हमने किसी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक एंट्री का गलत होने का मतलब है आपका टोटल रिजल्ट तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप हर एंट्री को, हर एडजस्टमेंट एंट्री को बहुत अच्छे से सीरियसली लो और अच्छे से समझो, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझो। आज के इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक आप फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरह का डाउट मत रखिए मन में, डाउट अगर है कोई, कुछ भी कन्फ्यूजन्स अगर है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ही जवाब दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे बड़ी चीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।